आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लुकअप्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके मेरा नेम है और नेम इसमें कई बार रिपीटेड है, ठीक है सर। नेम जो है कई बार रिपीटेड, जैसे पूजा यहां भी है और पूजा यहां भी है। तो यहां बात आती है कि किस तरीके से सारे पूजा को लुकअप करें, ठीक है। कि अगर पूजा को मुझे लुकअप करना है तो कैसे करें। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, एक्सेल 2019 है, 365 है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है फिल्टर का, ओके। तो फिल्टर फॉर्मूले को आपने यहां पे सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, बोला कि पूजा यहाँ पे फिल्टर हुआ। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है किस पे मैच करना है, तो नेम के अंदर हमने बोला इक्वल टू पूजा, एंटर प्रेस किया, तो जितनी पूजा के डेटा था वो पूरा यहाँ आ गया, ठीक है सर। और मैं यहाँ पे रवि करूं तो यहाँ पे रवि का डेटा आया, यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूंगा उसका डेटा आया। तो मैंने लगाया कैसे, एक बार दोबारा आप देख लीजिए, मैंने अप्लाई किया फिल्टर का, फिल्टर फॉर्मूला, और फिल्टर फॉर्मूला में हमने सिलेक्ट कर लिया अपना डेटा। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहां पे दिखेगा इंक्लूड, तो इंक्लूड में हमने नेम को इक्वल टू कर दिया, पूरे नेम रेंज को सिलेक्ट कर लिया और अपना नेम सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो यहां पूजा आ गया, ठीक है। जितना भी रवि का इंफॉर्मेशन था सब बिल को हो गया, जितना भी रवि था जी जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि मुझे अगर पूजा और रवि और पूजा या ओम और पूजा रवि का टोटल चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हम प्लस का सिंबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पहले ब्रैकेट में रख लेंगे, ब्रैकेट प्लस का सिंबल, और फिर इसमें हम वापस जो है सेलेक्ट करेंगे किसको, नेम, और इसमें करेंगे दैट इज इक्वल टू रवि, या ओम को सेलेक्ट कर लिया और वैल्यू आया, प्लस नहीं होगा इसमें, इसमें इसको ही ब्रैकेट में देना होगा, ठीक है। रवि और ओम दोनों का जितना बार रिपीट हुआ सब आ गया जी। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो और जो लगाना चाहते हैं ना सर, तो उसके लिए आपको प्लस करते चले जाना, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में होना चाहिए। अभी आपने देखा कि ब्रैकेट मिसिंग था तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर डाला रिजल्ट आपको दिख गया, ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं। अब फिल्टर में आता है एंड का ऑप्शन, जैसे मुझे रवि और पूजा नहीं चाहिए, मुझे 50 से 50 टू 80 के बीच में चाहिए, ठीक है सर, ओके। तो यहां पे हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, हम इंक्लूड में सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, और क्वांटिटी में हम यहां करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू हम सेलेक्ट कर लेंगे 50, ठीक है सर। और इसको फिर हम ब्रैकेट में लेंगे, और वो यहां पे क्या है एंड मेथड है ना सर, तो यहां से एंड लगाना है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और एंड एंड स्मॉल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 80, और इसको भी हमें ब्रैकेट में लगाना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या पता है सर, कि वो मल्टीप्लाई के नहीं यहाँ पे एंड परसेंट लगा देते, लेकिन यहाँ पे एंड परसेंट नहीं मल्टीप्लाई चलेगा, ओके। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिएगा,
अगर आपको और कंडीशन है, मैं मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल और कंडीशन है तो आप यूज करेंगे प्लस का, आपके पास एंड कंडीशन है तो यूज करेंगे मल्टीप्लाई का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, समझ में आ गया। तो फिल्टर फॉर्मूले के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।